शिवपुरी जिले के खनिया थाना स्वास्थ्य केंद्र पर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में एक प्रसूता की डिलीवरी कराने का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि बीते देर रात 8 बजे स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी मोबाइल की सहायता से की गई, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र में लाइट नहीं थी। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में जनरेटर तो मौजूद था, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर रानी देवी ने बताया कि मैं अपनी बहू की डिलीवरी कराने खनिया थाना के स्वास्थ्य केंद्र में लाई थी, जहां लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, बस अंधेरा था। इसलिए डॉक्टर्स ने नर्स के हाथ में मोबाइल पकड़ाकर डिलीवरी करवाई, जिसमें प्रसूता को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। प्रसूता के गुस्साए परिजन और बुजुर्ग ने कहा कि खनिया थाना जिले की सबसे बड़ी तहसील होने के बाद भी यहां कोई व्यवस्था नहीं है, अगर यहां इतनी लापरवाही बरती जाएगी तो हम लोग कहां जाएंगे। जो लाइट ना हती और हम बाहर आए, हम अपने पति से कही कि जनरेटर चालू करवाओ, तड़फड़ावे लगी डिलीवरी और बच्चे तड़फड़ा रहे, हम फिर बाहर आए किया तो फिर नहीं जनरेटर चालू करा। तो आज लाइट चली गई तो सब जितनी महिला थी बच्चे थे वो तड़प रहे थे, तो 3 घंटे से लाइट नहीं थी। तो मैंने ऑपरेटर से बोला कि जनरेटर चालू कर दो, तो बोले खराब है जनरेटर। तो मैंने बहुत कहा, लेकिन वो चालू करके बता गया वहीं बटन दबाओ, अंदर चालू नहीं की लाइट, लाइट नहीं हुई। नहीं, फिर मैं दोबारा पानी देखने गया तो जब बोतल में, तो फिर गीला, फिर पानी नहीं मिला यहाँ बिल्कुल पीने के लिए। पूरी आदमी जी कह रहे पानी नहीं मिल रहा है। देखिए इस प्रकार की तो आप मेरे को बता रहे हैं, क्या रात में जो लाइट चली गई थी, रात में ही वो चेंज ओवर खराब हुआ है उसका, तो जनरेटर से जो लाइट जाती है सप्लाई होती है, तो वो लाइट क्या है कि अंदर हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं हो पाई, तो अभी उस चेंज ओवर को मैंने सही करा दिया है और जनरेटर सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कल जो आप बता रहे हैं कि गर्म पानी आ रहा था, तो किसी ने उसका स्विच ऑफ कर दिया था, जिस वजह से गर्म पानी आ रहा था। जब सुबह उसको देखा तो उसका स्विच ऑफ था, ऑन किया तो नॉर्मल पानी आ रहा है।